मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज हमारा मैथ का चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ने हैं दोस्तों आज हम, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों अनुपात तथा समानुपात। दोस्तों ये अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम पूरे अर्थमेटिक में कहीं भी यूज कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे मैथ्स को काफी इजी बनाता है, इसलिए आज सबसे पहले मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ आपके लिए। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले हम रेशियो पढ़ेंगे दोस्तों, और इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोपोर्शन। रेशियो को हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों अनुपात। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुपात। और इसको डिनोट करते हैं दोस्तों या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं अनुपात की। अनुपात होता क्या है? तो दोस्तों अनुपात हमेशा दो समान राशियों के बीच निकाला जाता है। यानी कि अगर मैं दो समान राशियों की बात करूं, किलोग्राम और किलोग्राम, मीटर तो मीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, यानी कि दोनों ही यूनिट समान होनी चाहिए। दोनों ही यूनिट दोस्तों समान होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, एक तरफ मैंने किलोग्राम ले लिया, एक किलोग्राम, और इसका अनुपात आपको 200 ग्राम से निकालना है, तो क्या आप निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे दोस्तों, लेकिन यहां से नहीं निकाल सकते जब तक यूनिट समान नहीं होगा। यहाँ किलोग्राम है तो यहाँ भी किलोग्राम होना चाहिए, अगर यहाँ ग्राम है तो यहाँ ग्राम होना चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि यूनिट सेम होना चाहिए, और यूनिट सेम होगा तभी हम रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अनुपात के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं कि अनुपात में हम क्या क्या देख सकते हैं, अनुपात में किस किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको हाई लेवल तक लेके चलूंगा। अनुपात में आपका 1% भी नहीं छोड़ने वाला। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि हम अनुपात को डिनोट कैसे करते हैं, अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात को हम दोस्तों इस प्रकार से दिखा सकते हैं, जैसे मैं कहूं ए और बी का अनुपात निकालना है, ए तथा बी का अनुपात, या ए का बी से अनुपात, ए का बी से अनुपात, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए अनुपात बी। या इसका दूसरा तरीका दोस्तों ये भी है, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूं ए बट्टा बी। इस बट्टी का मतलब भी दोस्तों अनुपात ही होता है। इस अनुपात का मतलब दोस्तों बट्टे ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? अब मैं बात करूं दोस्तों कि ये अनुपात जो है, ये तो अनुपात हो गया, समानुपात क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे दोस्तों, फिलहाल हम सिर्फ अनुपात पढ़ेंगे। क्लियर है दोस्तों? समानुपात थोड़ा सा अलग है, जब तक आप अनुपात क्लियर नहीं करोगे तब तक आप समानुपात को नहीं सीख पाओगे दोस्तों। तो पहले मैं आपको एक एक करके क्लियर करना चाहता हूँ सब कुछ, आपको जीरो लेवल से और हाई लेवल तक मैं लेके जाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगला हम सीख लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कोई दो नंबर लिए, सबसे पहली चीज अनुपात में हम सीखने वाले हैं दोस्तों सरल अनुपात। क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? सरल अनुपात। सरल अनुपात का मतलब दोस्तों ये है कि 15 और 35 दो संख्याएं, 15 अनुपात 35, ये दोनों संख्या अनुपात में लिखी है, लेकिन मुझे इसे किस में लिखना है? सरल अनुपात में। सरल अनुपात का मतलब दोस्तों ये है कि इन दोनों संख्याओं को अगर हम मिनिमाइज कर सकते हैं, हिंदी में कहूं तो काट सकते हैं, तो काट सकते हैं, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं दोस्तों हम, तो 5 से ये 3 टाइम और ये 5 से 7 टाइम कट जाएगा दोस्तों। तो ये 3:7 यही इनका सरल अनुपात होगा। 15:35 का सरलतम अनुपात क्या होगा दोस्तों? 3:7 होगा। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आया होगा। और कोई भी नंबर ले लीजिए दोस्तों, जैसे मुझे 30 और 40, इनका मुझे सरल अनुपात निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों? सरल अनुपात। तो मैंने देखा 0 से 0 कट जाएगा, 3:4, ये इनका सरल अनुपात होगा दोस्तों। कैसा अनुपात होगा? सरल अनुपात होगा, यानी इनकी सरलतम फॉर्म होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों और भी हम देख लेते हैं। अब इसी में क्वेश्चन कैसे बन जाता है दोस्तों,
जैसे मैंने कहा 100 रुपए की धनराशि, 100 रुपए की धनराशि को 2:3 के अनुपात में बांटिए। 100 रुपए की धनराशि है, उसको 2:3 के अनुपात में उसको बांटना है, 2:3 के रेशियो में बांटना है। तो मैं कहूं दोस्तों 2 और 3 दोनों को अगर ऐड कर दूं तो कितना रेशियो बनता है दोस्तों? 5 रेशियो बनता है। और 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है कि नहीं दोस्तों? ये जो 2 और 3 के अनुपात में दो जगह राशि बांटी गई है, इन दोनों राशियों का मैं अगर सम निकालना चाहूं तो वह सम कितने के इक्वल होगा? 100 रुपए के बराबर होगा। तो ये 5 रेशियो 100 रुपए के बराबर हैं। एक रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों? 20 रुपए के बराबर हो जाएगा दोस्तों। एक रेशियो 20 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब एक रेशियो की वैल्यू 20 रुपए है तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 40 रुपए। और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 60 रुपए। जो पैसे मैंने बांटे वो 40 रुपए और 60 रुपए इस प्रकार से बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तो अनुपात का सरल अनुपात, अनुपात को सरल अनुपात में लिखना हम लोगों ने सीख लिया है। अगला हम टाइप सीखना चाहेंगे दोस्तों, और सीखेंगे अगला टाइप है दोस्तों ए अनुपात बी का विलोमन। पता नहीं कि दो जो भी कोई नंबर दिए गए हो, मैंने वो नंबर ए और बी मान लिए, का विलोम अनुपात क्या होता है? विलोमानुपात। अभी हमने सरल अनुपात सीखा था दोस्तों, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, कुछ भी नहीं होता। अब विलोम अनुपात क्या होता है? तो विलोम का मतलब पहले समझ लीजिए दोस्तों। अगर मैं एक्स का विलोम विलोम लिखना चाहूं, एक्स का विलोम लिखना चाहूं तो 1/x होता है। अगर मैं वाई का विलोम लिखना चाहूं तो 1/y होता है। इसी प्रकार से दोस्तों मुझे ए अनुपात बी का विलोम अनुपात लिखना है तो पहले मुझे ए का क्या लिखना होगा? विलोम। बी का क्या लिखना होगा? विलोम। और इनका अनुपात लिखना है, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। तो ए और बी का विलोम अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? बी अनुपात ए। तो दोस्तों ये इतना सारा आपको नहीं करना, आपको सॉल्व में याद रखना है कि ए और बी का विलोम अनुपात अगर पूछे तो दोनों को पलट दो और कुछ भी नहीं। कोई भी नंबर ले लेते हैं दोस्तों, जैसे मुझे 4 और 7 का विलोम अनुपात लिखना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 7:4 हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना आपको। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आसानी से। तो चलिए दोस्तों इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उन्हीं को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। अब इसका क्वेश्चन कैसे बन जाता है दोस्तों वो भी आपको मैं समझा देता हूँ, बीच बीच में तो क्वेश्चन भी आपको मैं दिखाऊँ। तो देखिए दोस्तों इसका जो क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बन जाता है। ए की आय का 2 गुना, बी की आय के बराबर है तो ए अनुपात बी क्या होगा? ए की आय का 2 गुना बी की आय के बराबर है तो ए अनुपात बी दोस्तों क्या होगा? तो चलिए दोस्तों जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है हमें वही करना है और कुछ भी नहीं करना। तो ए की आय का 2 गुना, अगर ए रुपए कमाता है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/2। ये बी की आय के बराबर है, ये बी की आय, मैंने मान लिया ए की आय ए है और बी की आय बी है तो ए की आय का मैंने 2 गुना कर दिया और बी की आय का कितने भी गुना नहीं करना और ये दोनों कैसे हैं? बराबर है, बराबर में रख दिया। इसमें मैं गुणा 1 लिख सकता हूँ दोस्तों, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बात करूं दोस्तों तो इस बी को मैं इधर ले आता हूँ और 2 को उधर ले जाता हूँ। ये बी इधर गुणा कर रहा है तो इधर क्या करेगा दोस्तों? भाग करेगा। ये 2 इधर गुणा कर रहा है उधर क्या करेगा दोस्तों? भाग करेगा। अब यहां से मैं कह सकता हूँ कि ए का वैल्यू अगर 1 है तो बी का कितना होगा? 2 होगा। तो अगर ए रेशियो बी की बात करूं तो 1:2 होगा। कितना होगा दोस्तों? 1:2 होगा। वैसे भी अगर मैं बात करूं तो ये अकाउंट का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया अकाउंट का मतलब रेशियो ही होता है। तो 1/a / b का मतलब दोस्तों यही है, a अनुपात
एक अनुपात, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आया होगा। तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको दो चीजें सिखाई, संख्याएं अनुपात में दी हैं तो उनका सरल अनुपात कैसे निकालते हैं, दो संख्याओं का विलोम अनुपात कैसे निकालते हैं। विलोम अनुपात को दोस्तों हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो या फिर इनवर्स रेशियो भी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला हमारा जो है अगला टाइप है, हमें दो संख्याएं कोई भी दी गई हैं, ए अनुपात बी के अनुपात में है, तो इनका मुझे क्या निकालना है, वर्गानुपात निकालना या मुझे ए और बी का वर्गमूलानुपात निकालना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको यहां से पता चल रहा होगा, वर्गानुपात का मतलब है ए और बी के वर्गों का अनुपात, और ए बी के वर्गमूलानुपात का मतलब है दोस्तों ए और बी के वर्गमूलों का अनुपात, ए और बी के वर्गमूलों का अनुपात। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सिंपल सी बात है, ए और बी, ए अनुपात बी का जो वर्ग अनुपात होगा वो होगा ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। ए और बी का वर्गमूल अनुपात होगा दोस्तों रूट ए अनुपात रूट बी, यानी वर्ग अनुपात पूछे तो ए का वर्ग अनुपात बी का वर्ग, और वर्गमूल अनुपात पूछे दोस्तों तो ए का वर्गमूल अनुपात बी का वर्गमूल। कुछ भी नहीं करना, सारा यहां से सब कुछ फाइंड हो जाता है दोस्तों यहां से। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज आ रही होगी सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो वर्ग अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है दोस्तों। और वर्ग मूल अनुपात को बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में सब डुप्लीकेट रेशियो। तो पहली चीज मैंने दोस्तों आपको बताया कि अनुपात को सरल अनुपात में कैसे लिखते हैं, दूसरी चीज दोस्तों हम सीखे हैं कि जो भी अनुपात दिया है उसको विलोम अनुपात में कैसे लिखते हैं, तीसरी चीज अगर दो संख्या का अनुपात दिया है तो उसका वर्ग अनुपात और वर्गमूल अनुपात हम लोग कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं कोई एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, देखिए जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया ए और बी को छोड़ दें, मैंने ले लिया 3 और 4 का, मुझे क्या लिखना है वर्ग अनुपात लिखना है, 3:4 का वर्ग अनुपात लिखना है। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 9:16 हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आसान से समझ में आया होगा। यहाँ भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों, जैसे मुझे 16:81 का वर्ग मूल अनुपात लिखना है दोस्तों, क्या लिखना है दोस्तों वर्ग मूल अनुपात लिखना है, तो 16 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल, तो 4:9 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस कर लेता हूं यहीं पर कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। कभी कभी तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना जिस प्रकार से मैंने कराए हैं इसी प्रकार से डायरेक्ट आता है कि 16:81 का वर्गमूल अनुपात क्या होगा, या सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, या 3:4 का वर्ग अनुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, क्लियर है दोस्तों। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से भी आ जाते हैं जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, 3:4:5 के अनुपात में 3:4:5 का वर्गानुपात 3:4:5 के वर्गानुपात में 2000 रुपए की धनराशि को ए बी तथा सी में बांटिए, बी का हिस्सा पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहला वाला क्वेश्चन आपको कराया था
कि 100 रुपए की धनराशि को 100 रुपए की धनराशि को 2:3 के अनुपात में वितरित कीजिए, तो हमने 2 और 3 को ऐड किया था, 5:5 रेशियो बराबर किया था 100 रुपए, 1 रेशियो की वैल्यू 20 रुपए प्राइम की थी। लेकिन यहाँ दोस्तों मैं इनको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि जो राशि वितरित की गई है, बांटी गई है, वो इनके रेशियो में नहीं बांटी गई है, इन रेशियो के वर्गानुपात में बांटी गई है। ये जो अनुपात दिए गए हैं इनके वर्गानुपात में बांटी गई है। तो ए बी और सी को मिलने वाली राशि का जो अनुपात होगा वो दोस्तों इनका वर्गानुपात होगा। तो 3 का वर्ग 9, 4 का 16 और 5 का 25, यानी इसको 9 रेशियो मिला, इसको 16 रेशियो और इसको 25 रेशियो। टोटल कितने रेशियो धनराशि बांटी गई, तो 25 और 25 50, 50 रेशियो धनराशि बांटी गई। और 50 रेशियो कितने के कुल है दोस्तों, 2000 रुपए के कुल है। तो 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 50 से 2000 40 बार कट जाएंगे, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 40 रुपए। 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, 40 रुपए के बराबर हो जाएगा। अब 1 रेशियो की वैल्यू अगर 40 रुपए है, मुझे पूछा है बी का हिस्सा, तो दोस्तों बी का हिस्सा जो होगा, बी को कितने रेशियो धनराशि मिली है दोस्तों, 16 रेशियो धनराशि। यहाँ से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि धनराशि इस अनुपात में बांटी ही नहीं गई, बांटी गई है इनके वर्गानुपात में, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ वर्गानुपात मैंने निकाला तो बी का रेशियो 16 है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 16 रुपए है, 16 का 40 के साथ 1 रेशियो का वैल्यू 40 रुपए है दोस्तों, और 16 अनुपात बी को मिला है, तो 16 चौके 64, 640 रुपए मिले होंगे बी को। तो जिसका भी हिस्सा हमसे पूछा जाएगा उसके साथ हम 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन दिए देता हूँ जो कि आपको करना है। रेशियो की वैल्यू 3 रुपए, 49 दिए 147,
20, तो 14,700 रुपए डी का हिस्सा होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों बड़ी ही आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों अगले टाइप की जगह हम लोग चलते हैं, ए अनुपात बी का घनानुपात, ए अनुपात बी का घन मुगलानुपात। घनानुपात का मतलब है दोस्तों कि दोनों का घन कर दीजिए, ए क्यू अनुपात बी क्यू हो जाएगा। घन मुगलानुपात का मतलब है दोस्तों कि ए का घनमूल और रेशियो बी का घनमूल। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इनका एग्जांपल देना मैं जरूरी नहीं समझता। क्लियर है दोस्तों, तो दोस्तों इंग्लिश में इसको हम कह लेते हैं ट्रिप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, और घनमूलानुपात को हम कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो क्लियर है दोस्तों, आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, इस पर दो तीन क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे दोस्तों और हमारा चैप्टर खत्म है। आगे हम अगले लेक्चर में आपको इसके संबंधित सवाल कराएंगे दोस्तों और वहीं पर आपके सारे डाउट भी क्लियर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आसानी से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने इसके बीच में क्या क्या डिस्कस किया है। पहली चीज हमने डिस्कस की है दोस्तों रेशियो क्या होता है, दूसरी चीज रेशियो को सरल अनुपात में कैसे बांटा जाता है, तीसरी चीज रेशियो को लघु अनुपात में कैसे लिखा जाता है, अगली चीज थी हमारा रेशियो को वर्गानुपात, रेशियो को वर्गमूलानुपात यानी कि डुप्लीकेट रेशियो और सब डुप्लीकेट रेशियो। इसके बाद अगला हमारा टाइप था दोस्तों ए बी को घनानुपात में यानी कि दो रेशियो को घनानुपात में कैसे लिखा जाता है, और अगली चीज थी घनमूलानुपात में यानी ट्रिप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्लियर है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका पसंद आया होगा।